परिंदे जो हैं बैठे सुबह सुबह दाने का इंतज़ार कर रहे हैं। विंटर है, सर्दी है, लेकिन सर्दी भी यहाँ की ऐसी है, ये देखें धूप निकली पड़ी है सुबह सुबह। और चलिए दाना डालते हैं। ये देखें विगी बैग है, ये छोटी सी जिसने अभी बात की है हमसे। ये सबसे पहले जो है इनको हम बीजा सूसन कहते हैं। ये आती है, इसको सब तरफ खबर रहती है, हम वेजी गार्डन में हों, हम गैराज की तरफ हों, हम यहाँ दाना डालने आए, इन साहिबा ने सब दुनिया को जो है वो खबर कर देनी है कि हम निकले हैं। और ये हमें ढूंढती है कि कहाँ गई है, क्या कर रही है। और ये है इनके दाने की बकेट, ये सब तो आपने देखी ही होगी। ये देखें दाना, तो सुबह और शाम ये दाना जो है ये हम जाकर इनको डालते हैं। सब चले गए, ठेर लगा हुआ था, कोई 30 परिंदे तो यहाँ पर बैठे ही होंगे, तोते ही थे। ये देखें ये बहादुर वाले आए हैं। हाँ जी मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। और ये लाल हुए हैं ना, देखें, अब पता नहीं आपको इतनी ब्राइट में लाइट में रंग सही से दिखता है कि नहीं। तो ये जो सुर्खी है इनके सीने की, वो ये बताती है कि ये अंडे देने वाले हैं। जो मुर्गियाँ वगैरह होती हैं उनकी भी कलगी लाल हो जाती है। और ये देखें ये जो विगी बैग है ये यहाँ पर घूम रही। अब ये उठेंगे, ये देखें ये गए हैं, ये दरख्त पे बैठेंगे। यहाँ पर खामोशी से इतने सारे बैठे। और ये देखें फाउंटेन पे विगी बैग बैठी, ये देखें, ये देखें, इनका नाम हमने ठीक ही रखा हुआ है, बी जासूसन। और ये देखें यहाँ इनका दाना, ये शाम को हम डाल के गए हैं। लेकिन इन्होंने ना ये खाने हैं सनफ्लावर सीड, तोतों ने सबसे पहले, बाकी जो बचा है बुझा है वो खा लेंगे बेचारे पिजन्स वगैरह। और ये देखें विगी बैग, अब हम अपना ये डब्बा जो है इसको रख के आपको करीब से दिखा देंगे। ये देखें, ये देखें सल्फर क्रेस्ट आया, आके बैठा। और ये कुकुबारा आया है इधर, इसने मीट खाना। ये देखें, ये देखें, ये बहुत बड़ा तोता है और काफी मिजाज का गर्म है। तो पता नहीं ठीक से दिख रहा है कि नहीं। ये देखें, और ये आया गला, ये भी कॉकटू है। कोशिश करते हैं थोड़ा करीब हो। और ये देखें एक और गला आया, और ये देखें एक और गला आया, ये देखें हल्के रंग का, नहीं ये भी डार्क ही है। और वो देखें, पता नहीं आपको दिखाई दे कि नहीं, ये देखें सब जो हैं यहाँ बैठे हैं। ये देखें गलास जो है, इंतज़ार हो रहा है। और ये देखें मैगी बेबी और मैगी, हमें देखेंगे और यहाँ आ जाएंगे। ये मैगी बेबी है और ये मैगी है, वेट कर रही, अंदर जाएगी, मैं जाऊँगी तो ये ब्रेड लेंगी। और वो जो उस पर आके बैठा है ऊपर एंटेना पे, वो मैगी उसकी केयरर है, उसकी माँ जो है, क्योंकि ये इलाके मैगी के हैं। तो मैगी जो है वो इन इलाकों में किसी को दाना शाना नहीं खाने देगी, वो अपना बच्चा ज़रूर छोड़ के जा सकती है कि मैगी उसका आसपास ध्यान रखे, कोई हमला आवर ना हो, कोई उसको ख़तरा ना हो, लेकिन उसको मैगी फीड नहीं करेगी, उसको उसकी माँ ही फीड करेगी ला के। लेकिन माँ यहाँ से खाना नहीं ढूँढ सकती, वो अपने इलाके से ढूँढेगी, यहाँ लाएगी मैगी इन दोनों बच्चों का, अपना और दूसरे को बेबी सिट करेगी। वो जो ऊपर आके बैठा है ना वो आसपास ही होगा, मैगी उसका ध्यान रखेगी सारा दिन। कभी कभी ऐसा होता है माँ आती है उसकी तो दिखता है, फीड कर रही होती है उसको। लेकिन यह है कि मैगी बेबी काफ़ी जेलस होता है उससे, बाज़ औक़ात उसके सीने पे चढ़ के मार रहा होता है। तो ये देखिए यहाँ की रौनक देखें ना आप, लड़ाइयाँ झगड़े सब इनके यहीं चलते हैं। बहुत ही अल्लाह ने हुस्न बख्शा है इस ज़मीन को, बहुत ही अल्लाह के फजल हैं हमारे ऊपर भी और
इस धरती पे भी दिखाई देते हैं। ये देखें और ये देखें, आते रहेंगे। देखें अब ये हिम्मत करके यहाँ बैठा है, अब देखते हैं। अच्छा ये जो आग, ये देखिए इससे नहीं बैठने देना, सारा खाना इनका है। तो ये जो है, अगर ये आगे से फीके हैं तो समझ लें कि अभी बेबीज हैं, यंगस्टर्स हैं। यंगस्टर्स का ग्रुप आया हुआ है यहाँ पर एक, और जो आगे से लाल हैं वो अंडे देने वाले हैं, बड़े हैं, एडल्ट्स हैं इनमें। तो इनके पास बैठो तो बहुत इंसान को देखने को मिलता है, समझने को मिलता है, सीखने को मिलता है, नॉलेज है। ये यूं ही नहीं अल्लाह ताला ने छोड़ रखे दुनिया में, कुछ तो वजह है, शायद हमें बहुत कुछ भुला देने के लिए, खुश रखने के लिए, रौनक बख्शने के लिए ज़मीन, ये चीज़ें जो है अल्लाह ताला ने दी हैं। ये जो यहाँ पर खाना खा रहा है, इसका एक साथी होगा यहीं, और वो बैठा होगा उधर सबसे ऊंचे दरख्त पे कहीं उस जगह पे, या वो यहाँ सबसे ऊंची शाख पे बैठा हुआ देख रहा होगा कि हिफाजत कर रहा होगा कि कोई ख़तरा तो नहीं आ रहा। कुछ करीब से भी आपको दिखा दें, डर जाएंगे। तो ये तो थी छोटी सी सैर, चलते हैं अंदर। अब वेजी गार्डन में कल प्लांट किए हैं सारे, विंटर की वेजीज प्लांट किए हैं कल, पिछले दो दिन उसमें मसरूफियत रही। फिल्म किया है, अभी चेक नहीं किया किस हाल में किया है, चूँकि इतना ब्राइट सूरज होता है कि व्यू फाइंडर में कुछ दिखाई ही नहीं देता, और फ़ोन से करना बहुत मुश्किल है कि आपका एक ही हाथ होता है। तो हमने कोशिश तो की है, अगर रिकॉर्डिंग अच्छी हुई, आवाज़ अच्छी हुई, फिर इंशाल्लाह हम आपको दिखा सकेंगे, ताकि आप भी अपना विंटर का या समर का वेजी गार्डन जो है वो आजकल के दिनों में तैयार कर सकें, चूँकि मौसम बदल रहे हैं और यही वक्त है पौधे ज़मीन में डालने का।